क्यों? देखो तकलीफें तो हर एक के जीवन में आना जाना है। तकलीफें जो डिफिकल्टीज जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो समस्या होते हैं वो हमारे जीवन के पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल। जैसे हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर जो है ना एंडिंग तक, जब तक हमारी सांसें चलती है, जब तक हम आखिरी सांस नहीं लेते तब तक हमारे जीवन में जो है ना वो प्रॉब्लम्स आते जाते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहेंगे और होना जरूरी है। उसकी वजह से ही हम सीखते जा रहे हैं, अपने आप को अच्छी तरह से डेवलप करते जा रहे हैं। तो समस्या और प्रॉब्लम की वजह से डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि समस्या हर एक के जीवन का एक इनसेपरेबल पार्ट है। लेकिन समस्याओं को फेस करके जो है ना हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई ना? अलग अलग चीजों का टेंशन लेकर जो है ना अपनी अपनी जिंदगी जो है ना खराब नहीं करनी है। ठीक है, क्या समझ में आ गया ना? तो देखो बहुत ही जरूरी चीज, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो उड़ सका वही जिंदा है। ठीक है, तो समस्याओं की वजह से डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और जो हमने काम शुरू किया है उसको बीच में छोड़ना नहीं है। जो गिवअप की हमारी मेंटेलिटी है, गिवअप की जो हमारी मेंटेलिटी है उसको हमें छोड़कर फेंक देना है, मतलब निकाल कर फेंक देना है, उससे अपने आप को बचाना है। समझ में आ गया बात? तो कंटिन्यूअसली अगर डिफिकल्टीज आते हैं तो छीना तान के जो है ना उनको वेलकम करने के लिए तैयार हो, लेकिन डिफिकल्टीज को आने नहीं देना, ऐसी बात नहीं। उनको आओ, जितनी डिफिकल्टीज है मेरी जिंदगी का पार्ट बनो और आओ मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि हम भी कोई कम नहीं इंसान, उन सारी डिफिकल्टीज को चुन चुन के मारेंगे, पकड़ पकड़ के मारेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।